हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.21 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन में देखा था फैक्टराइजेशन करने का 3 मेथड होता है। पहला मेथड से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को सेकंड मेथड दिया है। सेकंड मेथड से प्रूव करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ए नंबर में क्या दिया है? 24 और 120 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। हम लोग को किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। यहाँ पे लिख दिए 24 और 120। अब 24 को हम लोग को किससे डिवाइड, किससे हम लोग को लेना है? सबसे छोटा फैक्टर से लेना है। हम लोग को सबसे छोटा पहले 2 से देखना है। 2 से देखे तो 24 डिवाइड होगा, हाँ होगा। कितने बार में तो 2 यहाँ पे लिख दिए पहले। 2 and 2, 2 2 4। अब 12 को देना हम लोग को ना, जो जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखना। जितने बार में बचा, जैसे कि हम लोग 24 को यहाँ डिवाइड दिए, 2 से डिवाइड दे रहे हैं, जो ये हम लोग का है डिवीजर वो यहाँ लिखा जाएगा। और फिर यहाँ जो कोसाइन बचेगा, 2 and 2 यहाँ पे काटे या फिर 4 काटे, 2 2 2 4 काटे, जो यहाँ पे हम लोग का कोसाइन बचेगा वो यहाँ पे लिखा था। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 12 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 6 बार में। अब 6 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। अब 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 खुद से डिवाइड होगा। 3 1 3 1 आ गया, मतलब हम लोग का आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब 120 को करते हैं, तो 120 कितने बार में? हम लोग को सबसे छोटे फैक्टर से देखना, तो हम 2 से पहले देखेंगे। 2 से कितने बार में? 2 6 12, और फिर 0 का 0 हो गया। और 60 को करेंगे कितने बार में? 2 3 6, और फिर 0। अब 30 को आप लोग अगर ऐसे नहीं कर पाए तो आप लोग डिवाइड भी करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी 32 से हो जाएगा। देखिए कितने बार में? 2 1 2, 3 2 बच जाएगा 1, और 2 5 10, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 50। अब 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 15 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितने बार में आता है? 5 बार में। तो 3 5 50, और 5 1 5, तो ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है 24 और 120 का ये। चलिए लिखते हैं आगे, अब देखिए आ जाएगा 24 = 2 × 2 × 2 × 3 × 1, और 120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5। हम लोग को पहले मेथड में क्या करना था कि जो सबसे हाईएस्ट हो जाता था कॉमन लेके, वो हम लोग का क्या हो जाता था? एचसीएफ हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हम लोग को पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। ये 2 कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये 3 भी कॉमन आ रहा है, 1 4 5 उसमें नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, HCF = क्या हो जाएगा हम लोग का? इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 1। ये जो 2 3 बार है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2³। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया, 2³ भी आप लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 8 = 24। तो हम लोग का एचसीएफ क्या आ गया? 24। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं बी नंबर। ए नंबर का हम लोग का निकल गया, अब बी नंबर देखते हैं। बी में क्या दिया हम लोग को? 3 डिजिट दिया है, 12 16 और 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 16 24। अब 12 का सबसे छोटा फैक्टर से करके देखेंगे 2 से, तो कट डिवाइड हो जाएगा 2 6 12। अब 6 को करेंगे 2 3 6, 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 1 3। अब 16
टू के टेबल में आता है, हाँ आता है, एट बार में, एट टू के टेबल में कितने बार में आता है, फोर बार में, फोर टू बार में, फिर टू वन जा टू। अब 24 को करते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री। ठीक है, तब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। आप लोग इसको दो बार 2 है, आप लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर स्क्वायर, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 2 के बाद क्या है, 16, 16 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 बार है, 3 4 इंटू 1 24 कितना इज इक्वल टू 2 3 बार, फिर 3 इंटू 1। तो हम लोग का कॉमन क्या क्या हो रहा है, 2 दूसरा 2 और फिर 1। तो हम लोग का एक्सीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, तो हम लोग का एक्सीएफ क्या हो गया 4। तो अब चलिए देखते हैं सी नंबर, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी और ई, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, हम आप डी बताते हैं आप लोग को, डी क्या है 144, 180 और 192। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 144 और फिर क्या है 180 और फिर क्या है 192। तो 144 को देखिए तो सबसे छोटा फैक्टर 2 से करते हैं, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 हो गया। अब 72 को, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, हम आप लोगों को इसके पहले ही बताया, इसको डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 और फिर यहाँ तो ये कट गया, यहाँ बच गया 4, तो 2 2 जा 4। जो यहाँ पे रहता है, जो हम लोग का डिविजर होता है वो इधर लिखाता है और जो यहाँ कोसाइन बचता है वो यहाँ पे लिखाता है। आप लोगों को डिवाइड करने करके लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग डायरेक्ट इसको कोशिश करें कि आप लोग इसको डायरेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 9 बार में, तो 2 9 जा 18। अब 9 तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में देखेंगे तब, तो आएगा 3 के टेबल में, तो 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। अब 180 को देखते हैं, तो 180 भी तो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो हाँ हो जाएगा, तो कितने बार में, 2 9 जा 18, फिर 0 होगा 0, फिर 2 से ही करते हैं, तो 2 4 जा 8, हाथ में बच जाएगा 1, तो 2 5 जा 10। अब 45 तो 2 से नहीं होगा, लेकिन 3 से हो सकता है, क्यों देखिए, 3 1 जा 3 लिखिए, 4 माइनस 3 बच जाएगा 1, 3 5 जा 15, फिर ये भी चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 192 को करते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, यहाँ पे 18 होगा तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप लोग इसको देख लिए, अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग अब इसको इधर लिखते हैं, 144 इज इक्वल टू कितने बार है, 2 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद क्या है, 3 है दो बार, 3 इंटू 3 इंटू 1, उसके बाद क्या है हम लोग का 180, 180 इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 2 बार, 2 इंटू 2, फिर 3 है दो बार, 3 इंटू 3, फिर क्या है 5 है, फिर 1 है, और फिर 192 इज इक्वल टू क्या है, 2 कितने बार है,
तीन छह बार है तो एक दो तीन चार पाँच छह, फिर क्या है 3 × 1। तो हम लोग का चलिए देखते हैं तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 2 आ रहा है, दूसरा 2 भी आ रहा है, फिर एक 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एच सी एफ लिख देते हैं। एच सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 1। तो हम लोग एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो हम लोग एच सी एफ क्या हो गया, 12। तो चलिए हम लोग देखते हैं एफ नंबर लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को सी और ई खुद से ट्राई करेंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए एफ नंबर में क्या दिया है आप लोग का, 700, 800 और 900। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 700, 800 और 900। चलिए हम लोग देख रहे थे इसको, चलिए देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटे फैक्टर से करेंगे पहले 2 से, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर 0। अब फिर 2 से करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 40, 2 × 5 = 10। अब ये तो इससे होगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा, 1 × 75। आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना नहीं करके आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 से 107 = 700, फिर 7 × 7। आप यहाँ 100 से 8 बार में 800, 8 × 1 = 8, और 9 को 100 से 9 बार में, फिर 9 × 1 = 9। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन आप लोग हम आपको बोले हमेशा छोटा फैक्टर से करने, तो आप लोग छोटा फैक्टर से भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 700 को हम लिख सकते हैं 100 × 7 × 1, 800 को हम लिख सकते हैं 100 × 8 × 1, 900 = 100 × 9 × 1। तो हम लोग का कॉमन क्या है सब में, 100 और 1। तो हम लोग एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ क्या हो जाएगा, 100 × 1, तो क्या हो गया 100 आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।